राधे राधे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चार तरह की जो भुर्जी है वो बनाने की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि कटिंग चॉपिंग हो चुकी है। एक्चुअली मेरी जो फर्स्ट क्लिप थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट रिकॉर्ड किया था वो डिलीट हो चुकी है, तो इसलिए मैं अपना वॉइस ओवर दे रही हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने चार तरह की भुर्जियाँ इस वीडियो में रिकॉर्ड की हैं। पसंद आए तो लाइक यहाँ पर शेयर मैंने थोड़ा कीजिएगा। सा अदरक और हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके रख ली है। तेल गरम हो गया है, चलिए अब करेलों को फ्राई करने के यहाँ पे डाल देते हैं। अभी देखिए हम सबसे पहले तड़का लगा रहे हैं पनीर भुर्जी का। ये जो प्याज है मैंने ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए काटी है क्योंकि आधी जो प्याज है वो पनीर भुर्जी में डालूंगी और आधी प्याज जो है वो मैं करेले के साथ जो फ्राई करूंगी उसके साथ। के साथ हमने पनीर भुर्जी के लिए तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, गैस सिम कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। चलिए तड़के में हम मसाले ऐड करते हैं, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्च। स्वादानुसार हम इसमें डाल देंगे नमक, एक चम्मच हम इसमें डालेंगे शेजवान चटनी। करेले फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हम इसको निकाल के एक साइड में रख देंगे, तब तक ये थोड़ा ठंडे भी हो जाएंगे। हम डालेंगे आधी चम्मच किचन किंग मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ एक कप के करीब दूध। पहले ही ऐड किया हुआ था तो दूध जो है वहां पर अब ये पनीर की ही फॉर्म लेता रहेगा। इससे क्या होगा कि पनीर अगर आपके पास किसी वक्त कम है तो आप दूध डाल करके ऐसे ही सब्जी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दूध जो है रिड्यूस होता जा रहा है और एक दानेदार फॉर्म में जो है वो बदलता जा रहा है। देखिए दूध जो है वो काफी रिड्यूस हो चुका है। इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे क्रम्पल किया हुआ पनीर, इसको एक मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे क्यूब्स में कटे हुए छोटे छोटे पनीर के पीसेस, बस इसको भी एक मिनट पका लेंगे। उसके बाद हमारी डिलीशियस सी पनीर भुर्जी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं अंडा भुर्जी के लिए। तेल गरम हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, बारीक कटा प्याज। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अब बारी आती है ट्विस्ट की। आज हम जो एग भुर्जी बना रहे हैं उसमें ऐड करेंगे फ्रोजन मटर। आप डाल के देखिएगा, मटर से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम इसको मसाले भूनते टाइम भी डाल देंगे, इसमें इसमें जो थोड़ा सा भी कच्चापन होगा वो मसाले के साथ खत्म हो जाएगा। मटर को और अच्छे से गलाने के लिए हम इसी वक्त यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया,
रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्च, आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, मसाले में थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर दिया है, बस अब इसको हल्का सा और भून देंगे। अंडे को यहाँ पर हमने फेंट लिया है, मसाला भून चुका है, तेल जो है वो ऊपर सतह पर आने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे। एग भुर्जी यहाँ पर बिल्कुल बनकर तैयार है। जो आज हम गोभी की भुर्जी बनाने जा रहे हैं उसमें से बहुत ही बेसिक से मसाले डालेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच देसी घी और इसमें जाएगा एक चम्मच बटर। बटर गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को भी जो है ज्यादा नहीं पकाएंगे। साथ के साथ हम ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई अदरक। अदरक को भी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। इसके बाद ही हम ऐड कर देंगे इसमें कद्दूकस की हुई गोभी। गोभी को हमने हल्का सा भून लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। ये देखिए, ये है फ्रेशली ग्राइंड की हुई काली मिर्च, ये भी स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। बस इसमें और कोई मसाला, कोई और इंग्रेडिएंट नहीं डालना है। बस इसको 2 से 3 मिनट तक कर पका लेंगे। गोभी का जो अपना पानी है उसी में ये अच्छे से पक जाएगी। तो है ना कितनी आसान, लेकिन इसमें टेस्ट बहुत है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल पराठा भी इसका बना सकते हैं। ये फिलिंग एक तरह से रेडी हो चुकी है पराठे की। बस गोभी को हम ढक करके 1 से 2 मिनट पका लेंगे। गोभी का जो अपना पानी होता है उसी में ये अच्छे से पक जाएगी। अब बारी आती है प्याज और करेला भुर्जी की। तेल गरम हो चुका है, प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, देगी मिर्च, एक चम्मच अमचूर पाउडर। ये सौंफ को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, इसको भी हम ऐड करेंगे। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सौंफ का करेले के साथ। सौंफ का जो मीठापन है ना, वो करेले की कड़वाहट को थोड़ा बैलेंस कर देता है। और अमचूर भी हमने इसीलिए डाला है। बस इन सभी मसालों को अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे। करेलों में हमने ऑलरेडी जो है नमक लगाया हुआ था, तो इस स्टेज पे हम नमक जो है बहुत ही ध्यान से डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है, तेल भी जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेज पे अपने जो फ्राई किए हुए करेले हैं वो ऐड कर देंगे। करेले इस स्टेज पे थोड़े से टाइट हो जाते हैं, पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल सिम गैस पर इसको 3 से 4 मिनट ढककर पका लेंगे। हो चुकी है, ये है पनीर भुर्जी। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारी गोभी की भुर्जी। ये हमारी एग भुर्जी। और यहाँ पर हमारी बन चुकी है करेले और प्याज की भुर्जी। तो चलिए अब इसको गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए के साथ। तो
चलिए हम इसको सर्व करते हैं अपनी गर्मा गर्म बटर वाली रोटी के साथ।